Hello students, welcome to this topic of errors and adjustments. This topic is based upon the theory of errors in surveying. So before starting this theory of errors, let us take a look on some important terms which are used in theory of errors. So there are three important terms which are used in the theory of errors. These are observation, abstraction and measurement. ये तीन terms generally हमको समझनी होती हैं when we want to study the theory of errors. तो क्या हैं ये terms? First term is observation. First of all, we have to observe a particular thing. For example, अगर बाहर बारिश हो रही है और मैं rain drops को observe कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं उन रेन ड्रॉप्स को उनकी सराउंडिंग से सेपरेट करता हूँ. ऑब्जर्व करने का मतलब है कि मेरा फोकस उस एक पर्टिकुलर थिंग पर रहता है. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर मैं एक रूम में खड़ा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा फोकस ज़रूरी नहीं है पूरे रूम पर हो. आई कैन बी ऑब्जर्विंग लेट अस से द फ्लोर ऑफ द रूफ. मैं रूम के फ्लोर पर ही फोकस कर सकता हूँ. तो कहने का मतलब है कि जब आप रूम के फ्लोर पर फोकस कर रहे हो तो आप इस रूम के फ्लोर को बाकी रूम की वॉल्स से या ये डोर्स से आप सेपरेट कर रहे हो. तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस करना. तो फॉर एग्जांपल, लेट अस से आई एम ऑब्जर्विंग ऑन दिस फ्लोर. उसके बाद आपको एक एब्स्ट्रैक्शन लेना होता है. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है अजम्पशन. एब्स्ट्रैक्शन इज assumption. तो let us say I want to find out the area of this floor. मुझे इस room का area find करना है, room के floor का. तो I will take the assumption that this room is rectangular in shape. ये जो room है ये rectangular in shape का है. क्यों? क्योंकि generally मुझे ऐसा लगता है कि जो rooms होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं. तो लेट अस अज्यूम कि ये जो एंगल्स हैं दीज आर 90 डिग्रीज. अब इस अजम्पशन पर कि रूम का जो फ्लोर है वो रेक्टेंगुलर है, मैं इस रूम का एरिया फाइंड करना चाहता हूँ. तो आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस एरिया ऑफ द रूम. इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस अजम्पशन की हेल्प लेनी पड़ेगी. क्या? कि ये रूम जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है. अब भले ही ये रूम हो सकता है एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर ना हो, इसका मतलब ये जो एंगल 90 डिग्री मैंने अज्यूम किया है, हो सकता है ये एंगल 90 डिग्री ना हो. तो इसके लिए मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि ये रूम जो है वो 90 डिग्री पर है. तो अगर मुझे इस फ्लोर का मेजरमेंट करना है, फ्लोर के एरिया को फाइंड करना है मुझे, तो इस अजम्पशन पर कि ये फ्लोर रेक्टेंगुलर है, I need to calculate the length and width of the floor. मुझे इस फ्लोर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए इस फ्लोर की लेंथ और विड्थ फाइंड करनी पड़ेगी. तो इस लेंथ और विड्थ को फाइंड करने के प्रोसेस को ही कहा जाता है मेजरमेंट. तो दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रूम इज टर्म्ड एज मेजरमेंट. तो तीनों चीज़ें क्लियर हो गई. ऑब्जर्वेशन मीन्स आप फ्लोर को देख रहे हो. एब्स्ट्रैक्शन मीन्स फ्लोर को देखते हुए आप अपने मन में कोई अजम्पशन ले रहे हो उसके लिए, जैसे मैंने माना कि ये रेक्टेंगुलर है, और फिर रेक्टेंगुलर मानते हुए आप अगर एरिया मेजर करना चाहते हो तो उसके लिए आप लेंथ और विड्थ को डिटरमाइन करते हो. तो अगर मुझे ये लेंथ और विड्थ डिटरमाइन करूँगा तो दिस इज़ नोन एज मेजरमेंट. अब जब हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करते वक्त हम हमेशा कुछ ना कुछ एरर्स परफॉर्म करते हैं. तो व्हाट आर दीज एरर्स? तो देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ एरर्स विच आर जनरली कॉज्ड इन एनी मेजरमेंट. सो कौन कौन से एरर होते हैं? पहला होता है ह्यूमन एरर. फर्स्ट इज़ द ह्यूमन एरर. क्या होता है ह्यूमन एरर? कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति कोई मेजरमेंट ले रहा है और ही इज़ केयरलेस, अगर उसमें वो केयरलेसनेस डिपिक्ट कर रहा है, या फिर उसका इनअटेंटिव है, उसका अटेंशन प्रॉपर नहीं है, या उसका जजमेंट पुअर है, तो इसकी वजह से हो सकता है वो कुछ एरर्स कमिट कर दे. फॉर एग्जांपल, मैंने
किसी को बोला 18 लिखने के लिए और उसने लिख लिया 80, तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ ए ह्यूमन एरर। क्यों? क्योंकि या तो बोलने वाले ने या सुनने वाले ने प्रॉपर्ली कहा नहीं या प्रॉपर्ली सुना नहीं, तो केयरलेसनेस रही है या फिर लैक ऑफ अटेंशन रहा है, इस वजह से 18 का 80 हो गया है। तो आप देख सकते हो, अगर आप इस तरीके के ह्यूमन एरर्स किसी भी मेजरमेंट में परफॉर्म करते हो तो इट कैन लीड टू ब्लंडर्स। ब्लंडर्स मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए इनको मिस्टेक्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है कि वो हमेशा मिस्टेक्स कमिट करता है। तो इस तरीके की सीरियस मिस्टेक्स आपके रिजल्ट में, आपके फाइनल रिजल्ट में इस तरीके की सीरियस मिस्टेक्स बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकती है। तो हमें हर कीमत पर ये ह्यूमन एरर्स को अवॉइड करना हमारा टारगेट रहता है। तो पहला टाइप का एरर हो गया ह्यूमन एरर्स। क्यों होता है? केयरलेसनेस की वजह से या पुअर जजमेंट की वजह से। कैसे अवॉइड कर सकते हो आप? या तो विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस अवॉइड कर सकते हो, या पे आफ्टर पेइंग प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर जजमेंट की मदद से आप इन ह्यूमन एरर्स को अवॉइड कर सकते हो। और ये अवॉइड होने ही चाहिए, क्योंकि अगर ये आप अवॉइड नहीं कर पाए तो इनको डिटेक्ट करने का भी कोई तरीका मेरे पास नहीं है। तो फर्स्ट इज़ द ह्यूमन एरर्स जो किसी भी मेजरमेंट में हमको मिलते हैं। सेकंड इज़ सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स और क्यूमुलेटिव एरर्स क्या होते हैं? ये कि ये इस तरीके के एरर्स होते हैं जो कि हमेशा सेम सेंस में मिलते हैं अगर आपकी कंडीशन सेम है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई लीनियर मेजरमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं लेंथ विड्थ फाइंड करना चाहता हूँ रूम की, तो उसके लिए लेट अस अज्यूम कि मैं कोई टेप की मदद से ये लेंथ फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो अगर आपने लेट अस से आपका एम्बिएंट टेम्परेचर एक टाइम पे था 40 डिग्री सेल्सियस, लेट अस से एक जगह आपका टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर आप देखते हो कि जो फ्लो, जो मार्किंग्स होंगी इस टेप में, जो मार्किंग्स होंगी वो मार्किंग्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, क्योंकि जनरल ये टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई है। तो अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा तो आप देख सकते हो जो मार्किंग्स हैं इन मार्किंग्स के बीच में गैप बढ़ जाएगा। तो इस वजह से आपकी जो रीडिंग होगी वो एक्चुअल रीडिंग जो है, एक्चुअल रिजल्ट के बराबर आपको नहीं मिलेगी। तो आपकी जो रीडिंग है दैट विल बी एरोनियस, मतलब उस रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर्स आएगा। बट एक खास बात क्या है कि ये जो सिस्टमैटिक एरर्स आपको मिलते हैं, ये जो सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं ये हमेशा कोई ना कोई डेफिनेट मैथमेटिकल या फिर फिजिकल लॉ को फॉलो करते हैं। यानी ये एरर्स या तो हमेशा पॉजिटिव हो सकते हैं या हमेशा नेगेटिव हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप किन कंडीशंस में मेजरमेंट ले रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है टेम्परेचर इंक्रीज वाइल परफॉर्मिंग टेप मेजरमेंट, तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो ये जो रीडिंग्स हैं ये सारी की सारी रीडिंग्स एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, यानी ये जो टेप है ये एक्सटेंड हो जाएगा। बट इन एरर्स का आप पता लगाया जा सकता है और इन एरर्स को करेक्ट भी किया जा सकता है। सो दीज एरर्स कैन बी एस्टिमेटेड एज वेल एज दीज कैन बी करेक्टेड। तो अगर आपके पास सिस्टमेटिक एरर्स हैं, सिस्टमेटिक एरर मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करने वाले एरर्स हैं, तो इन एरर्स का आप पता लगा सकते हो और इनको करेक्ट भी किया जा सकता है। तो कैसे करेक्ट करेंगे? आपके पास कोई ना कोई डेफिनेट मैथमेटिकल या फिजिकल लॉ फॉलो कर रहे होंगे ये एरर्स, और उन एरर, उन मैथमेटिकल या फिजिकल लॉज को यूज़ करते हुए वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दीज एरर्स एंड देयरफॉर दीज कैन बी करेक्टेड। तो इन्हीं एरर्स को क्यूमुलेटिव एरर्स भी कहा जाता है। क्यूमुलेटिव एरर का क्या मतलब है? कि ये जो एरर है, अगर आपके पास एक रीडिंग में लेट अस से आपको एरर मिलता है 5 सेंटीमीटर का, लेट अस से एक रीडिंग में आपको 5 सेंटीमीटर का एरर मिलता है, तो आप दो रीडिंग्स लोगे तो 10 सेंटीमीटर का एरर मिलेगा, तीन रीडिंग्स लोगे तो 15 सेंटीमीटर का एरर मिलेगा। तो क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो एरर है ये एड ऑन होता जा रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव एरर। तो क्यूमुलेटिव एरर मीन्स कि ये जो सिस्टमैटिक एरर्स है ये हर रीडिंग में सेम सेंस का होता है। जैसे प्लस 5 का मिल रहा है तो 2 रीडिंग बाद +10, 3 रीडिंग बाद +15। तो अगर आपको पता है कि +15 का एरर हुआ है तो करेक्शन क्या कर दोगे आप? -15 करके आप एग्जैक्ट रीडिंग तक पहुंच सकते हो। तो दीज आर नोन एज सिस्टमैटिक और क्यूमुलेटिव एरर्स।
इसके बाद लास्ट जो टाइप का एरर आता है दैट इज एक्सीडेंटल एरर और इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेंडम एरर। क्यों होते हैं ये रेंडम या एक्सीडेंटल एरर्स? ये वो एरर्स होते हैं जो कि मिस्टेक्स यानी ह्यूमन एरर या सिस्टमेटिक एरर को रिमूव करने के बाद भी हमारी रीडिंग में पाए जाते हैं। तो इन एरर्स को कहा जाता है एक्सीडेंटल एरर्स या रेंडम एरर्स। अब क्यों इनको एक्सीडेंटल एरर्स कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इनका जो रीज़न है वो फाइंड नहीं किया जा सकता। कैसे? कि ये एरर्स तो हमेशा होंगे ही होंगे, आप कितना ही अवॉइड कर लो, लेकिन क्योंकि हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। मतलब हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका कुछ लीस्ट काउंट हो सकता है, तो अगर हमारी रीडिंग उस लीस्ट काउंट से छोटी आ रही है तो हम कभी मेजर ही नहीं कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो इस वजह से जो एक्सीडेंटल एरर्स होते हैं इनको आप कभी रिमूव नहीं कर सकते हो। तो क्योंकि ये जो रीजंस होते हैं एक्सीडेंटल एरर आने के, वो ऑब्जर्वर या मेजरमेंट लेने वाले के बस में नहीं होते हैं। बट एक खास बात क्या है कि ये जो एरर्स होते हैं दीज आर कॉम्पनसेटिंग इन नेचर। ये जो एरर्स हैं दीज आर कॉम्पनसेटिंग इन नेचर। कॉम्पनसेटिंग मतलब कि अगर आप लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लोगे, इफ़ यू टेक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अगर हम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेने पर हम देखा जाते हैं कि ये जो एरर्स होते हैं वो आपस में ही कॉम्पनसेट कर लेते हैं। मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीडिंग में तो एरर पॉजिटिव मिलेगा, किसी एक पर्टिकुलर रीडिंग में ये एरर नेगेटिव मिलेगा। तो ऐसे ही लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स लेंगे तो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे ये एरर जो है आपस में ही कॉम्पनसेट कर लेगा। मतलब आपको उसमें कोई करेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे मिलता है आपको देख सकते हैं आप। लेटस से अगर मुझे एक लाइन मेजर करनी है लाइक दिस, और मेरे पास एक टेप है जिसमें आपको रीडिंग मिल रही है लेटस से दिस इज 3.25, और दूसरी रीडिंग मुझे मिल रही है लेटस से 3.26, और यहाँ पर यहाँ तक आपको मेजरमेंट करना है। अब इस टेप में तो दो ही रीडिंग्स हैं, या तो 3.25 की रीडिंग है या 3.26 की रीडिंग है। तो यहाँ तक तो मैं फाइंड नहीं कर सकता हूँ क्या है। तो लेटस से कि अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मुझे रूम की फ्लोरिंग करनी है, तो मैं हमेशा ये चाहूँगा कि हमेशा मटेरियल मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर के आऊँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं कम मटेरियल लाऊँगा तो फ्लोरिंग प्रॉपर हो नहीं पाएगी। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि लेटस से जो लेंथ थी वो 3.26 मीटर्स की है। पर लेटस से कि अब मैं एक क्लाइंट हूँ जो कि कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देना है मुझे, तो अब मैं तो पर स्क्वायर फिट के हिसाब से पेमेंट दूंगा। तो अगर मैं लेंथ मेजर करने चाह रहा हूँ तो अगर मैं क्लेवर होने की कोशिश करता हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि लेटस से टेक दिस लेंथ इज इक्वल टू 3.25 मीटर। बट अगर कॉन्ट्रैक्टर भी क्लेवर हुआ तो वो ये क्लेम करेगा कि नहीं ये 3.25 नहीं है, ये 3.26 है। तो फिर फाइनली हम इस कंक्लूजन पे पढ़ेंगे, ठीक है ना आपकी ना मेरी, लेट अस अज्यूम ये इसमें मिडिल में है। तो कितना हो जाएगा अगर मैं इसका एवरेज ले लूँगा, दैट इज 3.25 प्लस 3.26 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 3.255। तो इतने मीटर की ये लेंथ फाइनली मैंने अज्यूम की है। बट क्या हम 100% श्योर हैं कि ये जो लेंथ है वो एक्चुअली में 3.255 ही है? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि ये जो एरर होता है इस एक्सीडेंटल, इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल एरर। तो इस एक्सीडेंटल एरर को डिटरमाइन करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। कल को कोई आके ये क्लेम कर सकता है कि ये जो रीडिंग है ये एक्चुअली में 3.254 है, तो हो सकती है। ये कल को कोई क्लेम कर सकता है कि ये रीडिंग जो है 3.256 है, तो ये भी हो सकती है, हम मना नहीं कर सकते। तो ये जो मेरी रीडिंग है, ये जो मैंने रीडिंग ली है, ये एक्चुअल रीडिंग से अलग हो सकती है। और वो जो डिफरेंस होगा बिटवीन एक्चुअल रीडिंग एंड दिस अज्यूम्ड रीडिंग, दिस इज कॉल्ड एज एक्सीडेंटल या रेंडम एरर। ठीक है, तब ये जो एक्सीडेंटल या रेंडम एरर्स होते हैं ये इनको मैं कितना भी चाहूँ तो इसको एलिमिनेट नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो एरर्स होते हैं ये लॉ ऑफ चांस को फॉलो करते हैं या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन?
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये आता है कि आपके एक्स एक्सिस पर है हमारे पास साइज ऑफ एरर्स और वाई एक्सिस पर है नंबर ऑफ एरर्स। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है कि आपके पास छोटे एरर्स होने का चांस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बड़े एरर्स होने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं कोई छोटा एरर लूँगा, लेट अस से इस रीजन में लूँगा, तो ये दीज एरर्स आर स्मॉल एरर्स, तो स्मॉल एरर होने के चांस मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं, स्मॉल एरर्स होने के चांस मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अगर मैं बड़े एरर्स लूँ, एज़ कम्पेयर टू अगर मैं बड़े एरर्स लूँगा तो उसकी प्रॉबिलिटी मेरे पास कम है, ठीक है। और दूसरी बात कि पॉजिटिव और नेगेटिव एरर्स होने की प्रॉबिलिटी भी बराबर होती है। ये प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमको ये बताता है कि अगर आप -0.2 का एरर की बात करो तो भी प्रॉबिलिटी बराबर है, और +0.2 की बात करोगे तो भी प्रॉबिलिटी आपको सेम मिल जाती है। तो यानी ये जो एरर्स होते हैं, इसीलिए कहा जाता है दीज एरर्स आर कॉम्पनसेटिंग इन नेचर। यानी हो सकता है कोई एक रीडिंग ली आपने, उसमें एरर आ गया +0.2 का, और हो सकता है अगली रीडिंग ली तो उसमें एरर आ गया -0.2 का, ठीक है। तो इसी तरीके से दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ एरर्स विच आर जनरली कॉज्ड इन एनी ऑब्जर्वेशन। तो पहले दो तरह के एरर्स को तो हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट या एक्सीडेंटल या रेंडम काइंड का एरर है इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। और इसी एक्सीडेंटल या रेंडम एरर के बारे में हमारा थ्योरी ऑफ एरर सर्वेइंग में मिलता है। तो थ्योरी ऑफ एरर्स जब हम पढ़ेंगे सर्वेइंग में तो केवल और केवल एक्सीडेंटल एरर्स की ही बात की जाएगी, ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।